बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का नया फरमान जारी। बिहार के सभी टीचरों ने रोड पर आने की कर ली तैयारी। बिहार के सभी टीचरों ने किया ऐलान, लगता है बिहार के मुखिया होंगे परेशान। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा एक नया फरमान जारी किया गया था और उस दौरान सभी टीचरों को यह निर्देश दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे वो दशहरा हो, जितिया हो, कर्मा हो, तीज हो, इन सभी त्योहारों में छुट्टी नहीं मिलेगा। यही सब बातों को देख करके बिहार के सभी टीचरों ने ऐलान कर दिया कि ये कहीं न कहीं हम लोग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हम लोग के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हम लोग के सम्मान के साथ खेला जा रहा है, हम लोग को प्रतिष्ठा के साथ खेला जा रहा है, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, हम लोग रोड पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और यही सब बातों को देख करके बिहार के सभी टीचरों ने 5 सितंबर को रोड पर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। बिहार के टीचरों का यह कहना है कि हम लोगों को त्योहारों में छुट्टी मिलनी चाहिए क्योंकि ये हमारा आस्था का मामला है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी देश के सभी नेताओं के जोड़ने में लगे हैं और बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक सभी टीचरों को तोड़ने में लगे हैं। और हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा एक और नया फरमान जारी किया गया है जो सभी स्कूल के बच्चों के लिए बड़ा ही दुखदायक है। जो बच्चा 3 दिन तक स्कूल में उपस्थित नहीं होगा उसको प्रधान अध्यापक द्वारा नोटिस दे दिया जाएगा और जो बच्चा लगातार 15 दिन अनुपस्थित रहेंगे उसका नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। और जो बच्चा अपने गांव के स्कूल में नाम लिखवाकर बाहर जैसे स्कूलों में पढ़ेंगे, जैसे में कोटा, दिल्ली, मुंबई, इन सभी जगहों पर पढ़ेंगे तो उसका भी नाम काट दिया जाएगा। यह फरमान 1 जुलाई 2023 को लागू हुआ है और सभी जिला पदाधिकारी को आदेश दे दिया गया है। बाकी नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार मांझी फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।